kiss for you. हेलो फ्रेंड, कम टू टेक्नोमिनियल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम परमानेंटली डिलीट हुआ डेटा रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो आपके पीसी का हो, पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड का। अक्सर ये होता है कि हम जल्दी जल्दी में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट कर देते हैं। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप आसानी से डेटा रिकवर करना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में जाना है और वहां सर्च करना है रिकुआ। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फाइलपो वाली साइट से फाइल डाउनलोड करें, क्योंकि उनके सर्वर्स डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी होती है। अब लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करना है। ये आपको डाउनलोड पेज पे रिडायरेक्ट करेगा और डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। डाउनलोडिंग पूरी होने के बाद इसे इंस्टॉल करना है। तो मैंने अब रिकुआ इंस्टॉल कर दिया। तो चलिए मैं आपको एक फाइल डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये थंबनेल इमेज है मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल की, और अब मैं इसे डिलीट करूँगा। चलिए इसे रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं। तो रिकवा ओपन कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको फाइल टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आपको पता है फाइल टाइप तो सिलेक्ट कीजिए, बाकी या फिर ऑल फाइल्स पर क्लिक कीजिए। जैसे कि मेरी इमेज फाइल थी तो मैं यहाँ पिक्चर सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद आपको फाइल लोकेशन सिलेक्ट करना है, ये भी अगर आपको पता है तो सिलेक्ट कीजिए, या फिर आई एम नॉट श्योर को सिलेक्ट कीजिए। बट मुझे पता है मेरी फाइल कहाँ से डिलीट हुई थी, तो मैं पाथ सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट। उसके बाद ये आपको पूछेगा कि डिप स्कैन करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे इनेबल नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। और स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी फाइल जो मैंने डिलीट की थी वो शो हो रही है। तो आपको टिक करना है और रिकवर पे क्लिक करना है। ये आपको लोकेशन पूछेगा कि आपको रिकवर फाइल कहाँ सेव करनी है। तो फिलहाल मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। तो मेरी फाइल रिकवर हुई। सो फ्रेंड्स, इस तरह आप कोई भी फाइल रिकवर कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।